मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को चिकित्सा क्षेत्र को दी नई नई सौगातें। वर्चुअल माध्यम से कोविड 19 पैंडेमिक ब्लॉक सहित 13 करोड़ की लागत से पुनर्निर्मित 6 हॉस्पिटल्स का किया लोकार्पण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री RUHS कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 70 पलंग के नव निर्मित कोविड 19 ICU सहित हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, बूंदी, जैसलमेर, टोंक में कोविड 19 के लिए बनाई गई नई माइक्रोबायोलॉजी लैब और जोधपुर के MDM अस्पताल में पुनर्निर्मित कैंसर वार्ड सहित अन्य सुविधाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अजमेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकार्पण समारोह में भाग लेते हुए बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उद्बोधन में कोविड 19 से मुकाबला करने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। छह जिलों में कोविड 19 पैंडेमिक के प्रकोप के प्रारंभिक दौर में कोविड 19 की जांच सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज यहां पर टेस्टिंग लैब की स्थापना का लोकार्पण किया गया और इनकी कुल लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है। और अब मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इसके लोकार्पण के। चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण 2,10,00,000 है, जो की भामाशाह, सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उदयपुर द्वारा दान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो VC थी, इसमें विशेषकर जो टोंक है उसका और भी हनुमानगढ़, बीकानेर, कई जगह के जो सारे 6 हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नई कोविड की नई जो विधाएं आई है और जो RUHS में जो अभी 70 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसके बारे में आज माननीय CM साहब ने उद्घाटन किया था। और भी जहाँ जो जगह थी, हमारा जैसे टॉप का है लैब है उसका भी उद्घाटन किया था। इसी तरह 6 जो अस्पताल थे उन सभी का आज उद्घाटन किया गया था। और साथ ही माननीय मंत्री CM साहब ने काफ़ी अच्छा उद्बोधन भी दिया था। तो मैं सोचती हूँ कि कोविड के लिए जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है वो सभी के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। और मैं सोचती हूँ कि पूरे देश में हमारा राजस्थान काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत आगे हम लोग कार्य कर रहे हैं।